नमस्कार, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कैंसर डे पर आज हम आपको बता रहे हैं फेफड़ों के कैंसर के इन लक्षणों का बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। हर साल 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के प्रति जागरूकता और इस बीमारी से बचाव के उद्देश्य से दुनिया भर के सारे देश विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें फेफड़ों के कैंसर से होती हैं। भारत में भी फेफड़े का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो पुरुषों को सबसे ज्यादा होता है और कई बार आखिरी स्टेज में इसके लक्षणों की पहचान हो पाती है। फेफड़ों के कैंसर के कई कारण होते हैं, जिनमें सिगरेट और तंबाकू का सेवन सबसे ज्यादा आम है। सिगरेट के धुएं में 4000 से ज्यादा रसायन होते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। शोधों में यह बात सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में एक पैकेट सिगरेट पीता है तो उसे फेफड़े के कैंसर का जोखिम 20 से 25% बढ़ जाता है। आइए जानते हैं फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों के बारे में, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है सिर दर्द, थकान, हड्डियों में दर्द होना, चेहरे और गर्दन में सूजन, बोलने में दिक्कत, धुंधला दिखाई देना, याददाश्त कमजोर होना, लगातार खांसी आना, छाती में दर्द, खांसी में खून आना, सांस लेने में दिक्कत होना इत्यादि। फेफड़ों के कैंसर की वजह वायु प्रदूषण भी है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली गैस से भी फेफड़े का कैंसर होता है। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर एक अनुवांशिक बीमारी भी होती है। करीब 8 से 10% लोगों में फेफड़े का कैंसर पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से होता है। इसके अलावा टीबी की बीमारी से भी फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण थे जो कि फेफड़ों के कैंसर के होते हैं, जो आज हमने आपको बताए हैं। यदि आपको आज की ये जानकारी का अच्छी लगी हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी जानकारी को प्राप्त कर सकें। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।